एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज मैं मम्मी के साथ मार्केट आई हूँ घूमने के। मेरी मम्मी है, उनके साथ मार्केट आई हूँ घूमने के लिए। मम्मी को सामान लेना था और थोड़ा बहुत नंग की तबीयत ठीक नहीं है तो चेकअप करवाना था। तो वहाँ से हम लोग फ्री हो गए और मम्मी का सामान ले रहे हैं। तो काफ़ी 20-25 दिन कर दी हम लोगों ने मार्केट में, जितना हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया है, शेयर करा है। और अभी हम लोग आए जो मम्मी यहाँ पे 15 अगस्त का मेला लगता है, 16 अगस्त का, उसके बाद यहाँ पे शॉप्स लगती है जो, तो वो शॉप्स लगी हुई है। तो वहाँ से हम लोग मम्मी सामान लेने के लिए आए, जब मम्मी सामान लेना है वहाँ से, मतलब आ नहीं पाए थे जब तक पापा का वार्षिक नहीं हुआ, तब तक मम्मी आए नहीं थे कहीं। तो अब थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं घर के लिए और रूम के लिए। चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या क्या सामान होता है यहाँ पे हमारे, क्या मेले में मिलता है। बहुत रीज़नेबल प्राइस होते हैं इनके, ठीक होते हैं। तो मतलब बेड शीट, कम्बल और जो भी टॉल से लेकर हैंकी से लेकर सारा सामान होता है इनके पास। बहुत बड़ी शॉप है, रेंट पर ली होती है इन लोगों ने महीने महीने तक। तो चलिए मैं आपको भी पैक करके इसका पूरा दिखा देती हूँ उनके पास क्या क्या सामान है। और मेरे साथ अनायशा भी है साथ में, ठीक है। हेलो अनायशा, इनके पास ये कंबल है, ये सारे कंबल का स्टोर है। ये है रजाई और इस साइड भी रजाइयाँ है, और ये मैट्स है, और ये कर्टन है, ये बेड शीट है। देखिए बेड शीटें खोली है, यहाँ पे कितना अच्छा प्रिंट है। ये कम्फर्ट है, ये कर्टन है। मुझे नहीं दिख रहा बेटा, और यहाँ पे ना कैमरा, आप भी तो दिख रहे हो, मम्मा के साथ ही खड़े हो। ये मम्मी ने बेडशीटें कर दी यहाँ पे इतनी सारी। मम्मी कितनी करी? सिंगल भी डबल? ये वाली भी तो अच्छी लग रही है, ये वाली खोली है ब्लैक, 700 की। शीट्स भी है, शीटें होती जो गद्दे होते हैं बिछौने, वो भी है। ये देखिए कुशन है, सब कुछ है भैया के पास, सारा सामान है। ये कॉटन की बेड शीट है, वाइट वाइट। मम्मी इसकी कवर मांगो ना, ये मम्मी इसकी कवर मांगो ना, ये लास्ट इसकी लास्ट हाँ इसकी कवर मांगो, ये प्लास्टिक इसका निकला हुआ है। सिंगल भी ले, सिंगल भी ले रहे आ जाओ। कार्टन नहीं दिख, कार्टन भी अच्छे। ये प्रेम घाट पे शॉप है जहाँ से ये पटेटो की रास्ता जाता है, छोछला रोड के लिए जाता है, सामने शॉप है। ये कंफर्टर जाओ दिखाओ। मम्मी ठीक है ये? अच्छा पाँव में, पाँव में तो अच्छा लग रहा है ऐसे पहनना, जूता नहीं लग रहा है इसलिए खोली, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर, और मम्मी को छोड़ दिया था हम लोगों ने। सचिन लेने आए थे, तो सचिन आए थे हमारे को इस, सचिन बड़े बड़े लोग बूट में आ, सचिन ना बंद गोभियाँ कट कर रहे थे क्योंकि थोड़ी बहुत बंद गोभियाँ थी ना इसमें खेतों में, तो सचिन ने बोला कि कट कर देते हैं। तो सचिन इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो मैं मम्मी के साथ उनके काम कर रही थी मार्केट वाले, फिर उन्होंने थोड़ा उनसे सामान लिया, तो फिर वो हम लोग गाड़ी में उनका छोड़ के आए कोर्ट के पास तक। तो वहाँ से आके हम पहुँचे हैं और टाइम 3:30 होने वाले हैं और हम लोग अब घर पहुँच रहे हैं। तो कल हमारी वापसी है, तो वहाँ को भी पैकिंग बुकिंग करनी है और सामान गाड़ी तक छोड़ना है। तो चलिए घर चलते हैं फटाफट से, और वो हमारा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए। देखिए हिरन, 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 टैक्स निकाल दो।
कैसे लग रहा है फाइनल लुक? तो फ्रेंड्स, मैं और पापा गोभी काटने गए थे, थोड़ी बहुत गोभी काटने को थी काफ़ी टाइम से, बट वो पापा ने बोला कि गाय को दे देंगे। मैंने सोचा काट लेते थोड़ी, तो आज लास्ट डे था हमारा, तो पूरा दिन तो उसी में चला गया। तो अब ना शाम का टाइम हुआ है और मैं आज अभी तक नहाया भी नहीं। अब सोच रहा हूँ पानी गर्म करने को लगाता हूँ फिर नहाता हूँ। और इतना मस्त मौसम है ना यहाँ पे, ठंड लग रही है। मैंने जिपर पहन लिया है, देखो हुड पहन लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और सामने व्यू दिखता है जंगल जंगल, और जंगल से शुद्ध एवं स्वच्छ हवा आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो मतलब हवा इतनी प्यारी चल रही है, नीचे कपड़े रखे वो भी हिल रहे, इतनी तेज़ हवा और चिल्ड हवा चल रही है। व्यू आज का इधर का देखना, हवा कितनी तेज चल रही है ना, ऐसा कि कपड़े नीचे वो भी हिल रहे। ये देखो आ चुके हैं अपनी पैकिंग करने के लिए। तो मैं खाना बना के आ चुकी हूँ, सब्जी मैंने बना दी है, और यहाँ पे हम लोग करें सेब की पैकिंग। जो हम लोग सेब ले जाने हैं वो हम लोग पैकिंग करें। तो ये देखिए, ये हमारा गोदाम, सेब गोदाम। क्या कर रहे हो, कौन सेब है? ये ठीक है ना, ये कौन सेब है? तो और कैसे बोलना पड़ता है? मैं तो बता, मेरी बेटी कर रही है सारा काम। आप बोलो। तो यहाँ पे हमारे गोल्डन ही बच्चे हैं, और रॉयल तो है नहीं क्योंकि रॉयल किसी दिन खत्म हो गया, तो गोल्डन काफी लंबा टाइम चलता है। तो उस दिन और कौन से, ग्रैनी स्मिथ, ग्रैनी स्मिथ है और खट्टा भी है। ये तो खराब हो गए। तो यहाँ पे ना मतलब इसे शीट के ऊपर डाले हुए थे, क्योंकि अगर इसको इकट्ठा रखते तो सड़ जाते, तो इस तरह से फैला के रखे तो काफी लंबे टाइम चलते। तो यहाँ पे हम लोग कट्टा भर रहे हैं ले जाने के लिए। और ये जो ढेरी कही, क्या ढेरी खराब है, मतलब थोड़े थोड़े दाग लगे हुए हैं ना इसमें, और जो खराब से वे सड़ गए वो पैकिंग में भर रहे हैं। और मम्मी थोड़ा बहुत पता नहीं किचन में कुछ काम करे, हम लोग यहाँ बाकी यहाँ पे इसको भरने आए, तो इसको फटाफट से भरते हैं और सीधा गाड़ी के पास पहुंचाते हैं। आज हम आपको ये सारा सामान गाड़ी के पास पहुंचाना है, क्योंकि फिर सुबह ना अच्छा नहीं लगता, सारे ऐसे भर के जा रहे हैं, सबको भर के जाना पड़ता है पीठों में बैग लेकर, रोड भी रास्ता इतना ख़राब है आजकल। तो चलिए फटाफट से इसको भरते हैं। ये देखिए हमारे भरने वाले, पेटी भर रहे कि कट्टे भर रहे? कट्टा। तो पेटी क्यों खाली जा रहे? पेटी बहुत दो जगह घिरती है ना। हाफ बॉक्स ले जा रहे हो? एक हाफ बॉक्स ले आएंगे या तो नहीं। कितने सड़, आधा से ज्यादा सड़ गए ना। नहीं। तो अभी तक नहाए भी, तुम नहा नहीं रहे आज? इसमें तो उस दिन एक कट्टा हो जाएगा हमारा। कट्टा तो हो ही गया, पर ये तो हाँ कट्टा हो गया। ये ना बहुत ज्यादा खराब हो गए सेब ना, अगर हम लोग पहले भी भर देते ना तो भी सड़ जाने थे ना गाड़ी में यार, इसीलिए हम लोगों ने इस कट्टे में भरे। ये प्याज का कट्टा है ना, तो इसमें थोड़ी हवा जाती है ना जी। एक और कट्टा नहीं होगा ऐसा? नहीं, नहीं तो है। उसका तो हम लोगों बंद गोभी खिलाया था, वो भी ठीक है। बंद गोभी के लिए पांच कट्टे हर कुछ मत बोलिए, ये भरो आप। बनाई शाह उसके पापा ना काम करे, ठीक है नहीं है तो पीछ मुझे पता नहीं आप बता रहे हो। और नहीं मांगे नशा, सारा काम आप ही करते हो क्यों? सारा काम पापा फुल हो गया कट्टा, फुल हो गया। इतनी हेल्प करती है ना, कहाँ ले जा रहे हो आप ये? कहाँ ले जा? तो आधा सारा नहीं, इस तरह दागी से हो गए यार है ना। ये ओले की मार तो नहीं इनमें पड़ी? नहीं मार नहीं पड़ती इसमें। तो कई के दाग इसमें? कई के दाग होते ऐसे होते हैं ऊपर के पके सने। अनाशा से पूछो कौन सा सेब है? अनाशा गोल्डन, गोल्डन सबसे सारे गोल्डन है। अंगूला क्या बोल दिया इसने ठीक है, मैं कुछ नहीं डाली, मैं अच्छे से। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड कमेंट।